जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि फरवरी 2024 में क्लास 10 का साइंस का फाइनल एग्जाम होना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप सभी का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है जिसमें आप सभी देख रहे हो कि आपके 30 प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो बच्चा, आज हम एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 में साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बताया, बिल्कुल ऑफिशियल है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, उल्टा, वास्तविक, आवर्धित, सीधा। बिल्कुल सही बच्चा, सीधा होता है। उत्तल दर्पण गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में लगा होता है। आप सभी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में देखते होंगे तो उत्तल दर्पण ही होता है। यहाँ पे इसका उपयोग भी पूछा जा सकता है, तो सीधा होता है। दूसरा प्रश्न पूछ रखा है, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? 2 गुना, आधा, 4 गुना या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बच्चा, आधा होता है। यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। यहाँ पे यह आधा होता है। फोकस अंतर कितना होता है? आधा होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, धनात्मक, ऋणात्मक या कोई नहीं। तो देखिए, अवतल दर्पण में जब भी हमें फोकस दूरी निकालनी हो तो जब हमें माइनस में निकालते हैं ना, तो ये हमेशा ऋणात्मक होती है। सी विकल्प एकदम सही होगा, ऋणात्मक। चौथा प्रश्न दे रखा है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, अवतल। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा 2, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसी प्रकार यदि दर्पण पूछा जाए तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। छठा प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। देखिए, वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु F और 2F के बीच स्थित होती है। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सातवां प्रश्न पूछ रखा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए, हवा से कांच में आती है तो अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर या अभिलंब, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, अभिलंब की ओर। आठवां प्रश्न पूछ रखा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चा, ये क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पे रिपीट भी हो चुका है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अवतल, उत्तल, समतल या द्विफोकसी। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे आँख में उत्तल दर्पण होता है। बी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। दसवां प्रश्न पूछ रखा है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है? ए, पुतली, बी, दृष्टिपटल, सी, पश्चमाभि पेशियों या डी, पारितारिका। यहाँ पे जो पश्चमाभि पेशियाँ हैं ये वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। ग्यारहवां प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक रूप है। इस प्रश्न में कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, सब बताएंगे 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सही नहीं होगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम पूछ रखा है। अधिकतम जब भी पूछा जाए तो आपको यहाँ पे अनंत याद रखना है, अनंत होगा। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। न्यूनतम पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। बारहवां प्रश्न है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे, देखिए, निकट दृष्टि दोष का उपयोग करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसमें निकट की वस्तु को तो हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल सही बच्चा, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न दे रखा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उपचायक, अपचायक, अभिकारक या उत्पाद। यहाँ पे सही उत्तर होगा अभिकारक। जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। 15वां प्रश्न है, समीकरण CaCO3, यहाँ पे जब अभिक्रिया हो रहा है तो CaOC + CO2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले एक था और ये दोनों टूट गया है दो भागों में, तो इसका क्या हो रहा है, दो भाग में टूट रहा है, वियोजन हो रहा है। संयोजन मतलब जुड़ेगा, वियोजन मतलब टूटेगा, तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है। सही उत्तर होगा बी, वियोजन। 16वां प्रश्न दे रखा है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी, उष्मारोधी, संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो यह उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ए विकल्प सही होगा। 17वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी वो पूछ रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ZnSO4+Cu दे रखा है, ZnSO4+Cu, यह अभिक्रिया नहीं होगी, बी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण है। तो इसे आप संतुलित समीकरण कितने बच्चों को देखना आता है, देखिए सबसे पहले Na को देखिए, यहाँ पे Na एक ठो है, इधर भी Na एक ठो है। हाइड्रोजन की बात करें तो दो और दो चार, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो हुए और यहाँ एक, तीन, तीन ही हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 4H2O, यहाँ पे 4H2O सेम है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 4 गो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ इसमें भी 4 गो ही है, बी वाला हो जाएगा, बी वाला एकदम सही है, बी वाला संतुलित समीकरण है। 19वां प्रश्न दे रखा है, अभिक्रिया ZnO+C, इसमें किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब है कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, सी यहाँ पे जो बी विकल्प है सही होगा। 20वां प्रश्न दे रखा है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लाल को नीला करेगा, लाल को यदि नीला पूछा जाए तो यहाँ पे सही होगा क्षार, लाल को नीला तो क्षार, और नीला को अगर लाल कर देगा, नीला को लाल करेगा तो होगा अम्ल। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, अम्ल, क्षार और लवण से। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, CH3COOH, ये सबसे दुर्बल अम्ल है। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो H+ आयन सही होगा, H+ आयन यहाँ पे अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। 23वां प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताएंगे। ये चारों अम्ल आपको याद रखने हैं, देखिए लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाएगा, फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाएगा, या फिर टमाटर के रस में। तो ये सभी आपको याद रखने हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान हम किस में देखते हैं, अस्केल में, अस्केल में 0 से लेकर के 7 तक और 7 से लेकर के 14 तक, इतना तक कि आपको संख्याएं याद होनी चाहिए कि किसके बीच में कौन कौन सा होता है। देखिए बच्चा 0 से 7 के बीच होगा तो होगा अम्ल, यहाँ तक आप याद रखिए कि इसके बीच में कुछ भी आ जाए अम्ल होगा, 7 हो जाए तो होगा उदासीन, ठीक है, और 7 से अधिक हो जाएगा तो इतना 7 से 14 तक तो ये होगा क्षार। अब यहाँ से पूछ रखा है कि अम्लीय विलयन देखना है, तो 7 से कम ही होगा तो 7 से कम, 7 से अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा। इनमें से कौन अधिक क्षारीय है, P = 8, pH = 10, pH = 12 या pH = 14, तो सबसे ज़्यादा है pH = 14, तो सबसे क्षार होगा। 26वां प्रश्न दे रखा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CaOCl2, बिल्कुल सही उत्तर है सी विकल्प। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या पर्णहरित से, बिल्कुल सही बच्चा जल से, है ना, है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जल से। अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम
परजीवी। परजीवी क्या होता है? जो अपना पोषण या आहार के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे आप एक यहाँ पे पेड़ का नाम सुने होंगे, अमरबेल, है ना। अमरबेल का जो पौधा होता है वो परजीवी होता है। इसी प्रकार जो प्लाजोमोडियम है वो परजीवी है। ये अपना जो भोजन है वो स्वयं निर्मित नहीं करता है। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लसिका या धमनी। तो इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, रुधिर के तरल भाग को। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं और मानव में 4 कोष्ठ, है ना। आनंद और निलय, दायां बायां, है ना, दायां निलय बायां निलय, ये सभी आपने पढ़ा है। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित होता है मानव वृक्क, और कितने होते हैं? 1 जोड़ी। मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में ही पाया जाता है मैग्नीशियम। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जलन होता है? तो यहाँ पे दो दे रखे हैं, अमीबा और हाइड्रा। देखिए अमीबा पूछा जाए तो अमीबा में होगा द्विखंडन। द्विखंडन विधि में क्या होगा? इसके बीच का केंद्र का भाग पहले तो टूटेगा, उसके बाद फिर अमीबा 2 भागों में टूट जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। इसमें हाइड्रा में एक उभार उत्पन्न होगा और धीरे धीरे यह उभार ही स्वतंत्र रूप से एक नया हाइड्रा बन जाता है। एड्स रोग किसके कारण होते हैं? ये विषाणु यानी वायरस के कारण होते हैं एड्स रोग, ठीक है, वायरस। अगला प्रश्न है, पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या पराग कोष। तो देखिए पराग कोष में, यहाँ तो प्रश्न ही दे रखा है पराग कोष में, पराग कोष नहीं होगा, यहाँ पे पराग कण होगा, यहाँ पे सुधार लीजिए, पराग कोष में पराग कण होते हैं, ये सही होगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरण का मतलब क्या हुआ? जिसका पुनः निर्माण नहीं हो सके, या फिर जिसका पुनः निर्माण जल्दी से ना हो सके। यहाँ पे विकल्प दे रखा है कोयला। कोयला यदि एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे, तो कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, जबकि जो तुरंत बन जाए, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो कभी समाप्त ही ना हो, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हैं। 39वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली इकाई को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत में बदल रहा है सौर सेल, डी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का घटक है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन या ब्यूटेन। सही उत्तर होगा यहाँ पे बी, मीथेन, जिसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हमने 2022 के प्रीवियस ईयर किए हैं, और आपको भारतवर्ष क्लासेस पर लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल सेट वगैरह करवाए जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए बच्चा, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चा।